हेलो फ्रेंड्स, आई एम आदित्य एंड यू आर वाचिंग जर्मन क्लास। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको B1 लेवल तक जर्मन करने में कितना टाइम लगता है। अगर आप बिगिनर्स हो, जस्ट आपने स्टार्ट किया जर्मन सीखना, तो आपको कितना टाइम लगेगा आप B1 लेवल सीख जाओगे, तो इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू कर दें आज का वीडियो। तो अगर आपने जर्मन सीखना स्टार्ट किया, जस्ट अभी आपने शुरू किया है, तो मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप आप कैसे इसकी तैयारी कर सकते हो। सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा अच्छा और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव जो तरीका आजकल है वो है ऑनलाइन लर्निंग। आप ऑनलाइन जर्मन सीख सकते हो। तो अब स्टार्ट करोगे जर्मन सीखना, तो पहला बिगनर्स लेवल होता है A1। A1 लेवल जो बिगनर्स लेवल होता है फर्स्ट लेवल, और इस लेवल में आप क्या सीखोगे, एकदम बेसिक, जैसे हम कोई भी लैंग्वेज शुरू करते हैं, अल्फाबेट्स, कलर्स नेम, कुछ वर्ब्स, नाउन, एडजेक्टिव्स, सेंटेंस मेकिंग, अपना इंट्रोडक्शन देना आप सीख जाओगे, ठीक है, कलर्स नेम, वीक डेज, मंथ नेम, ईयर, सीजन्स, कैसे आप वेदर के बारे में बताओगे, ठीक है, कैसे आप कॉन्वर्सेशन करोगे, छोटा सा डायलॉग आप बना पाओगे। 30-40 वर्ड्स में आप एक शॉर्ट पैराग्राफ लिख सकते हो, माय हाउस के ऊपर लिख सकते हो, ठीक है, माय फेवरेट स्पोर्ट के बारे में लिख सकते हो आप, माय बेस्ट फ्रेंड के ऊपर लिख सकते हो। तो ये सब आप A1 लेवल में सीख जाते हो। तो ये A1 लेवल होता है, और इसको अगर आपको करना है फिनिश, तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस अगर मैं बताऊँ, कंटेंट के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने अभी बताया है, तो इतना आपको करने के लिए कम से कम रेगुलर अगर आप पढ़ते हो 1 घंटा डेली, तो आपको 30-40 डेज लग जाएंगे। मतलब 40 डेज में आप A1 लेवल की तैयारी कर सकते हो, अगर आप रेगुलर सीरियसली इफेक्टिवली अगर आप पढ़ रहे हो तो। तो एक महीना अगर थोड़ा ज़्यादा ले तो 40, और नहीं तो 1.5 मंथ्स, मतलब 45 डेज में आपका A1 लेवल तैयार हो सकता है, और उसके बाद आप A1 का एग्ज़ाम भी दे सकते हो अगर आपको देना है तो। और उसके बाद हम बात करते हैं A2 लेवल की। A2 लेवल में क्या है, जो भी आपने A1 में पढ़ा है उसका थोड़ा सा एडवांस हो जाता है। सपोज अगर आपने परफेक्ट टेंस बनाना सीखा है, तो A2 लेवल में आप थोड़े कुछ नई वर्ब सीखते हो, उनके परफेक्ट टेंस बनाते हो, कुछ मोडल्स बनाते हो, पास्ट टेंस की आपको इन्फॉर्मेशन हो जाती है A2 लेवल में। और इसके अलावा अब आप एक जो पैराग्राफ है वो 30 वर्ड से ज़्यादा 50 वर्ड्स में लिख सकते हो, आप एक ईमेल लिख सकते हो इनफॉर्मल, ऑन द स्पॉट आप थोड़ा सा बोलने की कैपेसिटी भी रख पाओगे। तो इसके लिए जो टाइम लगता है वो भी सेम ही है मेरे अकॉर्डिंग, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो हम लोग ट्रेनिंग देते हैं स्टूडेंट्स को, उसमें 1.5 मंथ में ही आप A2 भी कर सकते हो। तो A1 और A2 में जो कंटेंट है वो ऑलमोस्ट अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन सेम ही रहता है, बट उसका थोड़ा सा लेवल जो एडवांस हो जाता है, ठीक है। A1 लेवल में जो आप चीज़ें पढ़ते हो, कुछ चीज़ें रिपीट होती हैं, बट उनका जो वर्जन है वो एक्सटेंडेड हो जाता है, थोड़ा अपग्रेड हो जाता है वो। तो टाइम ड्यूरेशन 1.5 और 1.5, मतलब 3 मंथ्स में आप A1 और A2 लेवल कर सकते हो। इसके बाद बात करते हैं B1 लेवल की। ये एक एडवांस लेवल होता है। B1 लेवल की डिमांड काफ़ी होती है। इसको करने के बाद आपको जो सर्टिफिकेट मिलता है उसकी काफ़ी इंपॉर्टेंस है, इंडिया में भी और इंटरनेशनली भी। तो अगर आप इसके बाद जॉब भी लेना चाहते हो, तो B1 लेवल के बाद अगर आपको जर्मन अच्छे से आती है, इसका मतलब अगर आप अच्छे से बोल पाते हो और लिख पाते हो, तो आपको जॉब के चांसेस भी मिल जाते हैं। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप ज़रूर देखना कि B1 लेवल के बाद आपके कौन कौन से जॉब के ऑप्शंस हैं और किस तरह से आप इस जॉब को ले सकते हो। तो B1 लेवल की बात की जाए तो एडवांस लेवल है, और B1 लेवल में जो कंटेंट है वो थोड़ा सा और अलग होता है। इसमें आप कुछ कंजंक्शन सीखते हो, परफेक्ट टेंस मैंने बताया उसका और थोड़ा एक्सटेंड अपग्रेडेड वर्जन आप सीखते हो, पास्ट टेंस फिर दोबारा सीखते हो, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब्स आप A1 लेवल से ही स्टार्ट कर देते हो, और B1 तक आते आते आपको काफ़ी ज़्यादा नाउन, वर्ब्स और एडजेक्टिव पता लग जाते हैं, उनकी वेरिएशंस आपको पता लग जाती है, रेगुलर और इररेगुलर वर्ब्स क्या होती हैं वो आपको पता चल जाती है। और बाय द एंड ऑफ B1 लेवल यू आर एबल टू गिव अ प्रेजेंटेशन, आप एक प्रेजेंटेशन दे सकते हो ऑन द स्पॉट, 5 मिनट तक आप बोल सकते हो एक्सटेम्पोर, लाइक किसी एक टॉपिक पे आप लिख सकते हो अच्छे से 100-200 वर्ड्स में, और आप ईमेल लिख सकते हो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। तो B1 लेवल करने के बाद आप इस हद तक आप एबल हो सकते हो, आपकी कैपेसिटी काफ़ी हद तक बढ़ सकती है। तो B1 लेवल के जो टाइम ड्यूरेशन है वो एटलीस्ट कम से कम 2 महीने का टाइम आपको चाहिए एक एवरेज स्टूडेंट को, और अगर आप थोड़ा सा स्लो हो तो आपको 2.5 मंथ, और अगर आप थोड़े से फास्ट हो तो 2 मंथ्स तो आपको चाहिए ही चाहिए। उसके बाद आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज़्यादा आपकी एफिशिएंसी होगी, उतनी ज़्यादा आपकी लैंग्वेज शार्प होगी। तो B1 लेवल की अगर हम बात की जाए, अगर आपका टारगेट B1 लेवल है, तो आपको सजेशन है कि आप सीधा B1 लेवल का एग्ज़ाम दीजिए। A1 A2 की अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप पढ़िए A1 A2, बट एग्ज़ाम सीधा आप B1 का दीजिए। इसका फ़ायदा क्या है, एक तो आप एग्जामिनेशन फीस सेव कर सकते हो, जो कि A1 और A2 की अलग अलग एग्जामिनेशन फीस होती है, जो कि आपको एग्ज़ाम सेंटर पे ऑनलाइन आजकल सबमिट की जा रही है फीस, और ये अराउंड 7000 के अराउंड A1 की होती है, और उस तरह से A2 की भी 7000 के अराउंड होती है। B1 की अराउंड 12-13000 फीस होती है,
तो सीधा आप B1 लेवल देंगे तो आपकी जो A1 A2 की जो फीस है वो सेव हो जाएगी। तो जरूरत नहीं है आपको A1 A2 का एग्जाम देने की, आप डायरेक्ट आपको ना जो हाईएस्ट लेवल है, जो आपने एम करा है, जो आपने टारगेट बनाया है, उसको आप सीधा दे सकते हो। उसकी ट्रेनिंग में अभी आपको कम से कम 1 महीने का टाइम चाहिए, मतलब B1 लेवल 2 मंथ्स प्लस 1 लेवल आप 1 मंथ आपको चाहिए एग्जाम की तैयारी के लिए। अब बात करते हैं इसको जो एग्जाम है वो किस तरह से होता है। इसके एग्जाम में 4 तरह के पेपर्स आते हैं, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग। आपकी चारों स्किल्स टेस्ट की जाती है और चारों ही स्किल्स में इंडिविजुअली आपको 60% मार्क्स स्कोर करना होता है। अगर आप अनलकीली किसी भी स्किल में, किसी पेपर में 60% से कम मार्क्स लाते हो, चाहे 0.5 या 0.25 मार्क्स भी कम आते हैं, तो आप फेल डिक्लेयर होगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको वो पेपर रिपीट करना होगा, उसके लिए आपको दोबारा से एग्जामिनेशन फीस देनी होगी सेंटर पे, और उसके बाद आप उस एग्जाम में दोबारा हो सकते हो पास। इसके कोई नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स नहीं होते, बट हाँ ऐसा एडवाइस किया जाता है कि 1 साल के अंदर अंदर ही आप उस B1 लेवल के चारों पेपर को पास कर लो। इसका फायदा ये होता है अगर आप चारों पेपर्स को अलग अलग सेपरेटली देते हो, सपोज 2 पेपर आप अब आज देते हो और 2 पेपर आप 1 महीने के बाद देते हो, तो चारों पेपर आपके पास तो हो जाएंगे, तो आपको सर्टिफिकेट भी, कॉमन सर्टिफिकेट मिल जाता है एट द एंड। बट ये कंडीशन है अगर आप विद इन 1 ईयर चारों पेपर पास करने के मीन्स हेल्पफुल हो, अगर आप चारों पेपर विद इन 1 ईयर पास कर लेते हो। अगर 1 साल से ज़्यादा टाइम लगता है तो आपको कंबाइंड सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको अलग अलग सर्टिफिकेट मिलेंगे, जिससे कि आप कहीं अगर शो करते हो तो एक थोड़ा सा नेगेटिव इंप्रेशन पड़ता है कि आपने जो पेपर है वो पार्ट्स में डिवाइड किए, पार्ट्स में आपने गैप दे दे के पास किया है। तो बेटर है ट्राई कीजिए 1 साल के अंदर अंदर चारों मॉड्यूल को पास कर लीजिए, और ऐसा ऑलमोस्ट बहुत इजीली हो जाता है। मैं एक जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। तो अगर आप तैयारी करते हो और अगर आप पार्ट्स में भी पेपर को क्वालिफाई करते हो, तो भी आप 2 मंथ्स में पेपर को पूरा B1 लेवल पास कर सकते हो। तो एडवाइस है अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप पार्ट्स में पेपर को डिवाइड कीजिए, पहले 2 पेपर दीजिए कोई भी, रीडिंग या राइटिंग, और बाकी के 2 पेपर आप बाद में दीजिए। तो इस तरह से आपके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं आएगा और आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और आपका स्कोर भी काफ़ी अच्छा रहेगा। और जैसे कि मैंने कहा एट द एंड आपको पूरा एक कॉमन सर्टिफिकेट मिलेगा, जिससे किसी को नहीं पता रहेगा कि आपने पेपर पार्ट्स में दिए या आपने फर्स्ट अटैम्प्ट एक ही अटैम्प्ट में चारों पेपर दिए। तो ये भी आपके पास चॉइस है, ये आपको डिसाइड करना है कि आपको पार्ट्स में देने पेपर अलग अलग देने या आपको सेपरेट एक साथ ही चारों पेपर देने हैं। अगर आप अलग अलग देते हो तो उसके लिए फीस भी थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा देनी होगी, जो थोड़ा सा आपको 3 या 4 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे टोटल। तो इस तरह से ये मॉड्यूल होता है B1 लेवल का, और B1 लेवल की मैंने तैयारी में बताया आपको, तो ऑन एन एवरेज 3 मंथ्स आपको टाइम चाहिए, 2 महीने का आपको कंटेंट जो B1 लेवल पढ़ रहा होगा, और 1 महीने के लिए आपको एग्जाम की तैयारी करनी होगी। एग्जाम के लिए जो बुक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, काफ़ी अच्छी बुक है प्रैक्टिस के लिए, काफ़ी अच्छे मॉडल टेस्ट पेपर्स हैं। इसी बुक को आप बार बार रिपीट कीजिए, 2 से 3 बार अगर आप रिपीट कर लेते हो इस बुक को, तो डेफिनेटली आप स्कोर एग्जाम में 70 या 80% से ऊपर कर सकते हो। बट उसके लिए कंसिस्टेंट तैयारी और अच्छे से प्रैक्टिस चाहिए, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग और रीडिंग, चारों स्किल्स की आपको अच्छे से तैयारी करनी होगी, तभी आप पेपर 1 गो में निकाल सकते हो। और काफ़ी ईजी है और काफ़ी स्टूडेंट इसको कर भी देते हैं, तो आपको थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा, थोड़ा सा इंटरेस्ट आपको जनरेट करना पड़ेगा और तैयारी आपको करनी पड़ेगी। तो ये था A1 to B1 लेवल का टाइम ड्यूरेशन, और क्या क्या आप ब्रॉडली मैंने आपको बताया एक रफ आइडिया क्या क्या आप पढ़ते हो और कितना आपको टोटल टाइम लगेगा। तो अगर हम टोटल टाइम की बात करें तो आपका 5 to 6 मंथ्स में A1 से B1 लेवल तक फिनिश हो सकता है। तो अगर आप टारगेट कर रहे हो कि आपको B1 लेवल सीखना है, तो अपने आपको 5 to 6 मंथ्स का टाइम लेके चलना पड़ेगा। तो 5 to 6 मंथ्स के बाद आप B1 लेवल का सर्टिफिकेट ले सकते हो, उसके बाद जो भी आपको आगे करियर में यूज़ करना है उस सर्टिफिकेट के बेसिस पे आप आगे बढ़ सकते हो। और भी अगर आपको हेल्प चाहिए तो यू कैन राइट टू मी इन द कमेंट बॉक्स और यू कैन मेल मी डायरेक्टली, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक जरूर करना, दैट रियली मोटिवेट्स मी एज ए टीचर। सी यू नेक्स्ट टाइम विद द न्यू वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।